बिना संन्यास लिए ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। महात्मा सिंहपाल सिंह कहते थे, संन्यास लेना जरूरी, त्याग की जरूरत है। 3 दिन संघर्ष प्रश्न पर रहा, निर्णय नहीं हुआ। शंकरानंद जी गांगिनी बने। देखो, जो अंत शुद्ध अंतकरण विवेकी वैराग्यवान समाधि संपत्ति 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 एवं जिज्ञासु है, उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। ऐसे तो अनेक जागरूक किसी को ही बिना संन्यास के तत्व ज्ञान हो गया था, और शोध के तो आने के जो प्रसंग है वे भी ऐसे है। ये है कि जिज्ञासु को जितना निश्चित होकर तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसमें, और तत्व ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख में संन्यास बड़ा सहायक होता है। संन्यास कोई आश्रम जैसे और आश्रम है वैसा नहीं है। ये तो जिज्ञासु को सुविधा देने के लिए जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख आस्वादन करने के लिए है। और यदि जिज्ञासु और तत्वज्ञ भी सन्यासी जैसा नहीं रहेगा तो संसार उसके सिर पे चढ़ बैठेगा। इसलिए पराकाष्ठा का वैराग्य होना आवश्यक है। पर तत्वज्ञान में ये नियम लगाना कि वो सन्यास लेने पर ही होता है, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा रहस्य आदि में तो ऐसे गृहस्थों को भी तत्वज्ञान बताया हुआ है, जो किम्भूत किमाकार थे जो वासिष्ठ में भी ऐसे बहुत कुछ पाते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान होने के लिए संन्यास की शर्त नहीं है। जो भी जिज्ञासु होगा, वैराग्यवान होगा, सदगुरु का कृपा पात्र होगा, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। स्वामी श्री राम प्रेमानंद जी पूछते हैं, आद्य शंकराचार्य जी एक चांडाल के सम्मुख अज्ञानी सिद्ध होते, क्योंकि उन्होंने जब दूर हटने कहा तब चांडाल ने प्रश्न किया कि देह दृष्टि से आप हमें दूर करना चाहते हैं या आत्म दृष्टि से। चांडाल के इस प्रश्न के बाद उन्हें बोध हुआ, तब क्या ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में भी अज्ञान बने होते? देखो, ये कहीं कथा तुमने सुन ली है, जहाँ पढ़ी है जहाँ नहीं वहाँ पढ़ी नहीं है। वहाँ स्पष्ट रूप से ये बात आई है, शंकराचार्य के सामने भगवान शंकर आए और कहा कि तुम तत्वज्ञ हो, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो निष्ठा है उसको परिपूर्ण बनाने के लिए मैंने तुमसे ये बात कही है। ये शंकराचार्य का जो शंकर दिग्विजय माधवाचार्य का लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसमें ये है, और उसका अभिप्राय ये है कि तत्व ज्ञानी को सब रहना चाहिए। अब इसी में कोई शंका कर दो कि शंकराचार्य के सामने शंकर आए कि नहीं और उनसे संवाद हुआ कि नहीं, तो ये सब तो श्रद्धा से ही मानना पड़ेगा ना। तो उसका जो तात्पर्य है वो भी शास्त्रीय दृष्टि से देखना चाहिए। तो गच्छ दूर मिति देह उतारो देहिनम परिजीर शशि विद्वान, ये श्लोक है और शंकराचार्य भगवान ने उसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। साक्षात शिव के रूप में दोनों का मिलाप हुआ है और वो शंकराचार्य के ज्ञान में त्रुटि बताने के लिए नहीं है और न तो किसी भी तत्व के ज्ञान में कोई त्रुटि बताने के लिए। सावधान रहना चाहिए, जब तक निष्ठा पूर्ण न हो जाए तब तक दूसरे अपने ज्ञानी मानते तो सावधान रहना चाहिए, ये उसका अभिप्राय है। ये ज्ञान मान विमस्त तो हरण भगत नया हरी ते पाय सुर दुर्लभ सदागति परत हम देखत हरी। वहाँ ज्ञान का अपमान अपेक्षित है, वहाँ ज्ञान मान या जो ज्ञान कर चिता पह रही
वहाँ ज्ञानाभिमानी उसका अर्थ होता है, शंकराचार्य के प्रसंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कहीं सुनी सुनाई कहानी हो तो वो तो लोग तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से तोड़ते हैं। दांगिनी के श्री शंकरानंद जी पूछते हैं, आर्य समाजी कहते हैं प्रकृति जीव ईश्वर तीनों सत्य हैं। महात्मा सिंह जी कहते हैं कि माया जीव असत्य है, ईश्वर सत्य है। इस प्रश्न पर संघर्ष रहा, निर्णय नहीं हुआ। अच्छा देखो, आर्य समाज एक संस्था है, उसका संगठन सारे भारतवर्ष में है, उसके साथ खंडन मंडन तो जो सनातन धर्मी पंडित होते हैं, जैसे स्वामी अखिलानंद, पंडित अखिलानंद जी, कालू राम जी, गिरधर शर्मा जी, माधवाचार्य जी, वे लोग उनके साथ भिड़ते हैं। किसी के साथ भिड़ जाना ये साधु का काम नहीं है। जो सनातन धर्मी संस्थाएं हैं, सनातन धर्म सभा है, उनको चाहिए कि वे आर्य समाजियों के साथ खंडन मंडन करें। हम उनका खंडन करके उनके साथ शास्त्रार्थ तो रोक नहीं सकते, तो इसलिए किसी संस्था के सिद्धांत के बारे में हमसे निर्णय लेना उचित नहीं है। बस तितिक्षा, सहिष्णुता, तपस्या और क्षमा, धैर्य, पांच शब्दों का आपस में क्या समन्वय, संबंध और अर्थ है? इलाबन। ये प्रश्न ऐसा है जैसे स्कूल कॉलेज में परीक्षा लेने के समय विद्यार्थियों से पूछा जाता है, क्या क्या शब्द है? तितिक्षा, सहिष्णुता, तपस्या, क्षमा, धैर्य, ये पांच शब्द। तितिक्षा तो उसको कहते हैं जो दुख अपने ऊपर आवे, कोई किसी भी तरह का दुख हो, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार न किया जाए, और चिंता विलाप रहितम, घर में बैठ के उसकी चिंता भी न की जाए, और एकांत में या किसी के सामने विलाप भी न किया जाए, उसका नाम तितिक्षा होता है। सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहिता का तितिक्षा निगमते हैं। तो ये तितिक्षा जो है ये तो तत्व ज्ञान की जो बहिरंग साधना है, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, उसके अंतर्गत है। जो तत्व ज्ञान चाहता है उसको तितिक्षु होना ही चाहिए। सहिष्णुता जो है वो व्यावहारिक है, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कड़ा बोल दिया, कोई चुपचाप आपस में अपने घर में चर्चा कर रहा है और हमने कान लगा के सुन लिए और फिर उबल पड़े, कहते हैं एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि ये जो हमारे मकान में दूसरे लोग रहते हैं तो वे हम लोगों की बातें सुन लेते हैं, इसलिए इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए कि न सुने। तो पति ने कहा कि अच्छा जो बीच में जगह है उसको मैं बंद करा देता हूँ, किवाड़ी लगवा देता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि तो ऐसा करोगे तो हम उनकी बात कैसे सुनेंगे। तो ये जो चिढ़ना है कुढ़ना है ये आदमी की अपनी कमजोरी है, और अपनी ही सहन शक्ति व्यापारी को बढ़ानी चाहिए कि ग्राहक चाहे जितना माल देखे और एक पैसे के भी न ले,
तब भी उसे कहना चाहिए कि अच्छा माफ करना, आपकी तो तुम्हारे लायक माल हमारे यहाँ नहीं मिला, अगली बार हम जरूर आपके योग्य माल अपने पास रखेंगे। और ग्राहक को चाहिए कि दुकानदार कभी ज्यादा दाम भी बता दे तो उसके ऊपर चिढ़े नहीं, प्रेम से उसके साथ निभा लें। जब तक जीवन में सहिष्णुता नहीं रहेगी, पति पत्नी की नहीं सहेगा, पत्नी पति की नहीं सहेगा, माँ बेटे की नहीं सहेगी, बेटा माँ की नहीं सहेगा, भाई भाई की नहीं सहेगा, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं सहेगा, तो व्यवहार में वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सहिष्णुता एक उत्तम गुण है और वो सभी के लिए आवश्यक है। जो सहेगा नहीं, अब कभी नमक ज्यादा पड़ गया दाल में सब्जी में और उठा के बनाने वाले के ऊपर ही फेंक दिया, रोटी कच्ची रह गई जल गई और उठा के धरती में पटक दिया, तो वो आदमी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफलता के लिए सहिष्णुता आवश्यक है। और दूसरे के मन की सहो, दूसरे के वचन की सहो और अपनी सहाने की कोशिश मत करो, तब जीवन में सफलता मिलेगी। सहिष्णुता तपस्या ये है जो लोक में या परलोक में कुछ पाने के लिए, ये जो ज्ञान के लिए साधना की जाती है वो भी लौकिक ही होती है, उसमें कोई अंतकरण शुद्धि दृष्ट फल है, अदृष्ट फल नहीं है कि अगले जन्म में हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। इसी जन्म में अंतकरण शुद्ध करने के लिए जो कष्ट सहन किया जाता है जानबूझकर, पंचाग्नि साप ली, 84 धूनी जला ली, दान तपन कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत कर लिया, गर्मी में धूप में रहे, बरसात में पानी में रहे, ठंड में ठंडी सहते रहे, इसका नाम तपस्या होता है। ये प्रायश्चित के रूप में भी की जाती है और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भी की जाती है। ये इसको तप बोलते हैं और वेदांत में तो इसको तप नहीं बोलते हैं, वेदांत में आलोचना विचार को ही तप बोलते हैं। वहाँ तप आलोचने धातु से तप बनता है और तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, विचार के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। और वहाँ कृष्ण चांद्रायण शांतपन जिसे रहने से तो दिमाग और गर्म हो जाएगा, तो विचार कहाँ से होगा, इसलिए तर माल खाके विचार करना चाहिए, नहीं तो दिमाग गर्म हो जाता है। और क्या सुन, क्षमा ये है कि दूसरे ने कोई अपराध किया और उसको दंड देने की शक्ति हमारे अंदर है, चाहे तो दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड देने की शक्ति होने पर भी अपराध करने वाले को क्षमा कर देना, क्षमा जो है वो क्षमता के साथ संबंध रखती है। जो जितना क्षम है, सक्षम शब्द संस्कृत में गलत है और है तो इस अर्थ में है कि जिसके जीवन में क्षमा है उसको सक्षम बोलेंगे, और क्षमता वाला जो क्षम है उसमें स नहीं जोड़ता है, सक्षम नहीं होता है, क्षम होता है, क्षमता होता है। तो ईश्वर की कृपा से दंड देने की शक्ति होने पर भी अपराधी को क्षमा कर देना, उसको दंड न देना, इसका नाम क्षमा। संस्कृत भाषा में धरती का नाम भी क्षमा है, पृथ्वी का एक नाम क्षमा, तो क्षमा इसका नाम यही यूं पड़ा है कि इसमें कोई गड्ढा खोदे, मूत्र करे, शौच करे, डंडे से पीटे,
परंतु पृथ्वी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करती है, इसी से पृथ्वी का एक नाम क्षमा है और इसका ये गुण जीवन में धारण करने योग्य है। पृथ्वी की क्षमा, जल की मधुरता और तेज की तेजस्विता, वायु की प्राणदायिनी शक्ति, आकाश का अवकाश देना, ये सब जो तत्वों के गुण हैं वो हमारे जीवन में आने चाहिए। ब्रह्म का जो गुण है अधिष्ठान रूपता, चाहे कोई सांप माने रस्सी को, चाहे माला माने, चाहे डंडा माने, चाहे भूक्षेत्र माने, चाहे धारा माने, जैसे रस्सी किसी को मना नहीं करती है, उसको चाहे जो कुछ जो मान ले, कभी अपनी ओर से मना नहीं करती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से उनको कहता, आप हमारे भाई हैं महाराज, कहाँ भैया, सब पिता है, कहाँ भैया, सभी कहाँ भैया, कोई महात्मा कहता कोई महात्मा नहीं कहता हो, दोनों के प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल एक तरीका। तो क्या सत्य बता रहा था, क्षमा, उनके जीवन में जो क्षमा देखने में आई, जो उनकी निंदा करें उनके लिए भी क्षमा, जो उनके ऊपर आक्रमण करें उनके लिए भी क्षमा, उनके जीवन में क्षमा ही क्षमा थी। ऐसी क्षमा मनुष्य के जीवन में आ जाए तो वो इसी जीवन में महात्मा हो जाए। फिर जो है विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तदेव धीराः, धीरस्य भावः धैर्यम्। तो उसका अर्थ होता है कि सुंदर स्त्री को देख करके मन में काम न आवे, बढ़िया बढ़िया खाने की चीज देख करके जीभ पर पानी न आवे, सुंदरता को देख करके आंख वहां फंस न जाए, अपनी तारीफ सुन करके भूल न जाए। तो धैर्य का अर्थ है कि चाहे कैसा भी अच्छा बुरा प्रसंग होवे, परंतु अपने मन में किसी प्रकार का विकार न होवे, इसको धैर्य कहते हैं। धर्म का ये पहला अंग है, धृति क्षमा दमोस्तेयम। वो धृति जो है ना, वो धर्म का मुख्य अंग है। तो जिसमें बुद्धि अपने थत्ते इति धीरा, उड़ादी में रक प्रत्यय हो जाता है, धीर शब्द से धीरा शब्द बनता है, अथवा धीयम ईरयति प्रेरयति, अपनी बुद्धि को जो अपने काबू में रखता है, वे रास्ते नहीं जाने देता, उसका नाम धीर है, और उसके हृदय में जो भाव है उसका नाम धैर्य है। एक सत्संगी माता जी का प्रश्न है, वृद्धि और भाव में क्या अंतर है, कैसे की जाती है, कृपया सरल करके और उदाहरण देकर समझाने की जरूरत। वृत्ति का अर्थ है बर्ताव करना, वर्तनम वृत्ति, ऋतु वर्तने, हम जो बर्ताव करते हैं किसी के साथ उसका नाम होता है वृत्ति, जिससे जीविका चलाते हैं उसका नाम भी वृत्ति होता है, और घटाकार मठाकार हटाकार वृत्ति भी होती है, व्याकरणों में तो सूत्र की वृत्ति होती है, सूत जब तक है तब तक सूत है, और उसकी जेवर बना लिया ना तो उसका नाम वृत्ति हो गया, रस्सी बना ली, सूत्र अकेला रहेगा ना तो कमजोर रहेगा, धागा धागा रहेगा, और तीन चार सूत एक में मिला के बर लिया उसको, जेवर बना लिया तो उसका नाम वृत्ति हो गया। तो वृत्ति जो है ये तो स्त्री आकार होती है, पुत्राकार होती है, धनाकार होती है,
शत्रु आकार होते हैं, घटाकार पटाकार मंडाकार वृत्ति विषय के अनुसार अपना रूप बदलती जाती है। और भाव वो होता है जो सालक ग्राम की शिला में ये साक्षात चतुर्भुज भगवान में ऐसा भाव किया जाता है। अब देखने में तो पत्थर है, चतुर्भुज तो देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन दिखेगा, आंख से दिखे कुछ, व्यवहार में उसका रूप कुछ होगा, और मन में हम भाव उसके प्रति दूसरा करें, भगवत भाव करें, पत्थर में पत्थर का भाव न करें, पत्थर में भगवान का भाव करें, तो पत्थर रहेगा, लेकिन तुम्हारा भाव जो है वो भगवान से भर जाएगा। इसलिए भाव हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक सृष्टि में ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव रख सकते हैं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति प्रांतः उपासीत। प्रपंच का चिंतन छोड़ करके शांत हो जाए, और ये सृष्टि तो ब्रह्म में पैदा हुई, तज्जम तल्लम उन्हीं में लीन होती है, और तदा तज्जलानिति तज्जम तल्लम तदा इति उपासीत। ये ब्रह्म में ही पैदा हुई, ब्रह्म में ही है और ब्रह्म में ही मिल जाएगी, इसलिए जो कुछ अनेकता दिखाई पड़ रही है ये ब्रह्म रूप है। ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय के विचार से ब्रह्म का चिंतन किया जाता है ये ब्रह्म भाव है। और महावाक्य प्रमाण के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो बोध होता है उसमें सृष्टि स्थिति प्रलय सर्व कुछ नहीं है, उसको ब्रह्म बोध कहते हैं। इसलिए वृत्ति बनती बिगड़ती रहती है, और भाव उपासना के द्वारा धारण किया जाता है। भवनम भावः वृत्ति कृतका, वृत्ति कृतक होती है, और भवनम भावः भाव होता है, और बोध अज्ञान की निवृत्ति होने हो जाने के बाद बोध अपना स्वरूप ही है। एक प्रश्न और है, गांगिनी के शंकरानंद जी पूछते हैं कि गृहस्थों के लिए सोहम मंत्र अनुकूल है या नहीं, गृहस्थों का कल्याण या उद्धार होगा या नहीं। ये जैसा राम राम है वैसा ही सोहम सोहम है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। जैसे राम राम का जप करते हैं वैसे सोहम सोहम का भी जप जो उसके अधिकारी हैं, क्योंकि राम राम तो तांत्रिक पौराणिक वैदिक सब उसमें तो देखो उनको बड़ी चोट लग गई राम राम है, और कहीं गंदगी पर पांव पड़ गया बोले राम राम है, तो ये लौकिक भी है और ये पौराणिक भी है और ये तांत्रिक भी है और ये यौगिक भी है और ये औपनिषद भी है, राम तापनी राम रहस्य आदि उपनिषद। पर सोहम जो है ये उपनिषदों में ही है, और वो आवृत्ति करने के लिए है, दोहराने के लिए है। तो जैसे कोई भगवत भक्त भगवान का नाम लेके दोहराते हैं, ऐसे सोहम वाले भी जिनको उनके गुरु ने बताया हो वो दोहरावे तो कोई आपत्ति नहीं। सोहम हंसा हंसा सोहम एक अजपा जप भी होता है, लेकिन ये कोई महावाक्य है कि ये कोई प्रमाण है ये कोई बोध रूप है ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा यही हो कि जो यज्ञोपवीतधारी हैं वेद के अधिकारी हैं वे इसका जप करें, परंतु यदि गुरु लोग इनको बताते हैं तो अपने गुरु के अनुसार राम राम कृष्ण कृष्ण नाम बुद्धि से इनका जप कर सकते हैं। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन। प्रश्न करता है श्री रामदेवानंद ब्रह्मचारी, लिखते हैं कि जिस भक्त को
भगवत साक्षात्कार हो गया, फिर उसको अंत समय में विशेष कष्ट क्यों? क्या उसका भी प्रारब्ध होता? प्रारब्ध तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता ही है। और जैसे बाण जो छोड़ दिया जाता है एक बार, वो लौटता नहीं है, अपना काम करते ही पूरा होता है। इसी प्रकार प्रारब्ध का बाण जो छूट जाता है वो ज्ञानी भक्त सबके शरीर के साथ लगता है। ज्ञानी की दृष्टि में वो प्रारब्ध नहीं होता है और भक्त की दृष्टि में वो प्रारब्ध नहीं होता। भक्त की दृष्टि में भगवान की लीला होती है, जितना दुख आता है उसमें भगवान की कृपा होती है, जितने दुख आते हैं भगवान का स्मरण कराने के लिए आते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में यदि दुख आता है तो भक्त दुख में भी भगवान के हाथ को देखता है, प्रेरणा को देखता है, भगवान की स्मृति उसकी बढ़ती है। दूसरे लोगों की दृष्टि में वो दुख होता है, भक्त की दृष्टि में वो दुख नहीं है, वो तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, प्रेम। अब रही बात ये, दुख भी चेतन होते हैं, सुख भी चेतन होता है, और वो भक्त के शरीर का स्पर्श करके अपने को धन्य धन्य करने के लिए आता है। दुख का भी कल्याण हो जाता है भक्त के शरीर में आने से, उसकी मुक्ति हो जाती है। और सुख दुख ऐसा भी विचार करते हैं कि अब तो कभी उसका शरीर मिलेगा नहीं, ये मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो आओ हम लोग अपने को कृतार्थ कर ले। एक बार एक भक्त को देखने के लिए गया था, बीमार थे, तो नाम लेना तो ठीक नहीं है, तो कराते थे, हाय 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 ऐसे बोलते थे। तो मैंने पूछा कि यदि कोई ज्ञानी करा है और उससे पूछे तो कह देगा कि ये तो देह इंद्रिय मन का धर्म है, दुखी होता है, कराता है, इससे हमारा क्या मतलब है, क्या संबंध है? लेकिन भक्त के हृदय में तो भगवान रहते हैं, उसको तो दुख नहीं होना चाहिए, कराना नहीं चाहिए। तो बड़े सरल थे भक्त जी, बोले कि आप बहुत ठीक कहते हैं, अब मैं आय आय न करूंगा, अब मैं तो हरी हरी करूंगा। तो उन्होंने कराना बंद कर दिया हो, और दर्द तो होता ही था, तो जब दर्द होता था तो हरी हरी बोलते थे। भक्ति बड़ी गहराई में प्रवेश करती है जीवन के, और वो कोई हंसी खेल नहीं है कि कोई ऐसे दुनियादार लोग जैसे रहते हैं, वैसे ही भक्त रहे। ज्ञान, भक्ति, समाधि ये सब खिलवाड़ की चीज नहीं है, तो बहुत गंभीर वस्तु है। इसलिए भक्त की दृष्टि से जब पीड़ा होती है तो भी भगवान की कृपा ही है। हाँ, तेरी आपने दिल में जो दर्द दिया तो मैंने ऐसा मजा उसका, ऐसा मजा उसका, ऐसा मजा दिया। फिर याद है दिल में जो दर्द दिया तो कुछ ऐसा मजा मैंने उसका दिया, न करूं मैं दवा, मैंने खाई है तो दवा की कसम। श्री गिरिजानंदन जी दिव्य लिखते हैं कि तत्व ज्ञान के बाद की जीवन प्रणाली अंतःकरण के पूर्व संस्कारों पर निर्भर करती है, ऐसा श्री मुख से कहा गया है। क्या सगुण साकार का दर्शन, जैसा कि आपको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है, अंतःकरण को बदलकर जीवन प्रणाली में परिवर्तन लाता है या नहीं? इसी प्रकार गीतोक्त शनैः शनैः उपरमे की प्रक्रिया से किया गया ध्यान अंतःकरण और जीवन प्रणाली में भी परिवर्तन लाता है या नहीं, कृपया विवेचन करने की दया करें।
इसमें ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न नहीं है। यदि ज्ञान के पूर्व भक्ति के संस्कार हैं या योगाभ्यास के संस्कार हैं तो वो ज्ञान होने के पश्चात भी जीवन पर अपना प्रभाव रखते हैं और ज्ञानी के जीवन में भी योग या भक्ति या समाज सुधार सामाजिकता भी बनी रह सकती है। तो वशिष्ठ आदि जो है वो ज्ञानी होने के बाद भी पुरोहित हैं और दत्तात्रेय आदि जो है वो ज्ञानी होने के बाद और दूत हैं, जनक ज्ञान होने के बाद राजा हैं। तो जिसकी रहनी ज्ञान के पूर्व जैसी होती है, धर्म की, योग की, भक्ति की, शुद्ध अंतकरण की, उसका प्रभाव अंतकरण में ज्ञान होने के बाद भी बना रहता है। लेकिन ज्ञान होने के बाद अंतकरण की क्या दशा होती है इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। हमको सन 36 की याद है, एक महात्मा झूसी में मिले थे तो मैंने उनसे पूछा कि भगवान के मिलने के बाद, सरकार के दर्शन के बाद क्या होता है। उनकी बोली यही थी, इसी बोली में पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भैया तो सरकार का दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोल के भीतर ले रहे हैं तो उसके बाद वे तुमको कैसे रखेंगे ये तुम क्यों पूछते हो। वो तुम्हें झाड़ू लगवाएंगे, तुमसे वो तुमसे रसोई बनवाएंगे, वे तुमको अपनी घरवाली बना के रखेंगे। अरे भाई, जब तुम भगवान के पास जाते हो तो उनके ऊपर इतना ही तो छोड़ दो कि वो जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। उसमें पहले से जानकारी प्राप्त करना माने यदि भगवान के मिलने पर सुख होता हो तब तो हम भगवान का भजन करें और भगवान को भावे, और भगवान के मिलने पर अगर दुख होता हो तो हम भगवान का भजन न करें, भगवान को न प्राप्त करें। इसलिए पहले लाभ की बात सोचकर, फायदे की बात सोचकर भगवान का भजन नहीं किया जाता है, वो तो प्रेम से ही भजन करना होता है। इसलिए ज्ञान के बाद क्या होगा, हमको तो सत्य का ज्ञान चाहिए, चाहे उसके बाद नरक में ही रहना पड़े। हमको तो भगवान का दर्शन चाहिए, उसके बाद चाहे भगवान हमको गोटी गोटी काट के बाजार में बेच दे। इसलिए बाद की बात बिल्कुल सोचने नहीं चाहिए। हमारे जीवन में तो सत्य का साक्षात्कार हो या परमात्मा के प्रेम हो, दर्शन हो, इतने चाहिए। एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं। हम लोग एक जगह गंगा किनारे बैठे थे चांदनी रात, एक महात्मा थे, हम लोग उनको चारों ओर देख बैठे थे। उन्होंने खुश होकर कहा कि अच्छा, जिसको जो चीज चाहिए हमसे मांगो। तो हमने भी और दूसरों ने भी उनसे कुछ कुछ मांगा। एक मुकुंद नाम के सज्जन है, अलीराजपुर में रहते हैं, उनका लड़का अभी वो भी आते हैं कभी कभी मेरे, मुझसे मंत्र ले दिया उन्होंने बात। तो उन्होंने कहा कि हमको बिना किसी शर्त के इसी समय आप भगवान का दर्शन करा दीजिए, ये मैं आपसे मांगता हूँ। तो महाराज महात्मा जी, अब ऐसा तो किसी ने मांगा ही नहीं था, उनके मन में भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा कोई मांगे। तो उन्होंने कहा भाई देखो, उन्होंने ऐसी चीज मांगी तो इनके साथ तो शर्त लगाना नहीं है, आओ हम लोग सब भगवान से प्रार्थना करें। भगवान का नाम लेने लगे, प्रार्थना होने लगी, सबकी आंखों में आंसू आए, रोमांच हुआ। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, भगवान जो आ गए और तुम्हें बिना किसी शर्त के दर्शन देने के तैयार है, पर हमसे कहते हैं कि एक बात उसको बता दो, शर्त नहीं है, बता दो, बिना बताए दूध नहीं रहेगा। तो क्या शर्त है? जब मेरा दर्शन होने कोई पुण्य, कोई साधन, कोई भजन तो किया नहीं है, मेरा दर्शन होते ही इनके जितने पुण्य हैं वो सब क्षीण हो जाएंगे,
समाप्त हो जाएंगे, सब फलों का फल मिल जाएगा, तो उसके बाद ये पूरी हो जाएंगे और जितने दिन जिएंगे बनाले में उनको अपना होती है हमारी तो भाई मेरे ये जो भगवान के मिलने के बाद वाली बात है वो चाहे कलकटी बना दे चाहे चूड़ाला बना दे और चाहे हत्वा लोका बना दे, बात की बात सोचो ही मत, बस सत्य से प्रेम है, सत्य का साक्षात्कार करो, भगवान से प्रेम है, भगवान का दर्शन करो। प्रश्न है संत अथवा गुरु उपासना कैसे होती है, विस्तार पूर्वक विवेचन की अपेक्षा है, लीला बहन अपने शरीर की जैसे उपासना होती है वैसे ही गुरु और संत की उपासना होती है। जिन अभिवेकी पुरुष सत्सेवक लखन सेवन लखन सीरवीर पुरुष शरीर अपने शरीर से भी अधिक प्रेम जब संत से हो गुरु से हो तब उसकी सेवा होती है, नहीं तो इनके यहाँ प्रसाद बहुत मिलता है बढ़िया, दिन भर तेरे रहो कि दिन भर में 8 बजे प्रसाद मिले और रहने के लिए मकान बहुत बढ़िया है, इनके यहाँ मीठी मीठी बात करने को मिलती है। देखो जैसे सहज स्वभाव से अपने शरीर की सेवा होती है और उसमें कोई फल कपट नहीं होता है, ऐसे अपने सुख के लिए जो सेवा होती है वो स्वार्थ है और सामने वाले को सुख पहुंचाने के लिए जो सेवा होती है वो भक्ति है। तो भाई मेरे ये जो इसकी विवेचन की इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके हृदय में श्रद्धा होती है प्रीति होती है भाव होता है उसको नई नई सूझ सेवा करने की अपने आप ही पूर्ति है, बताने पर जो सेवा की जाती है वो सच्ची सेवा नहीं होती है, जो बिना बताए सेवा होती है। और सेवक ऐसा होना चाहिए जो अंतर्यामी हो और गुरु और संत को 6 महीने बाद किस चीज की जरूरत पड़ती है ये भी उसके मन में आ जाना चाहिए, बिना अंतर्यामी हुए कोई सेवा नहीं कर सकता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिना भक्ति गम्य जाने से बजाने से नाचने से सेवा नहीं होती है, उसमें तो बहुत प्रीति पुजारी देकर पूजी देकर हो अपने को दिखाने का मन ज्यादा होता है। देव सिख सिख और मानक मूढ़ता असमोल देव देव नाते हो तो को पल कहो देव कछु को असी वासना तो बैठ रह जाए, ये भी गलत है कि इनसे हम कथा प्रवचन सुने और एक अस्पताल मिल जाए, एक विद्यालय बन जाए, एक संस्था चल जाए, उसमें तो भगवान से बिल्कुल प्रेम ही नहीं है, भगवान वहाँ प्राप्त नहीं है, वहाँ तो सांसारिक पदार्थ प्राप्त है, वो संसारी लोग हैं जो भगवत संबंध से और फिर सांसारिक लाभ उठाना चाहते हैं। संस्था वाले महात्माओं का बहुत बड़ा शोषण करते हैं अपने सांसारिक काम के लिए स्वार्थ के लिए, तो सेवा में ये सब बात नहीं जोड़ने के लिए। तो ये पूछते हैं कि संत की अथवा गुरु की उपासना कैसी है। अरे उपासना वही तो अपने शरीर की जैसे उपासना करते हैं वैसे करना चाहिए और जिसको उपासना करने की लालसा होती है उसको उपासना आ जाती है और जिसको अपने को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा होती है उसको उपासना नहीं आती है। अपना अपने बड़प्पन के लिए जो कुछ होता है उसमें उपासना नहीं आती है। राजेंद्र गुप्ता पूछते हैं भगवान विष्णु के आयुधों का तात्विक एवं भावपूर्ण वर्णन कर कृतार्थ करें। देखो भाई हमको न तात्विक आता है न भावपूर्ण, वो तो आप सोच लिया करें
क्या होता है, ये वेदांतियों का जो ब्रह्म है उसके चार पाद होते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय। विश्व विराग तेजस हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ ईश्वर और तुरीय, ये चार पाद होते हैं, क्योंकि वहां कुछ माना नहीं है। लेकिन भक्तों के जो भगवान होते हैं उनके चार हाथ होते हैं, पाद में केवल ज्ञान होता है और हाथ में क्रिया होती है और रक्षा होती है। तो चारों पुरुषार्थ देने के लिए भगवान ने चार हाथ प्रकट किए, और उसमें भक्त का कोई अपराध करना चाहता हो दूर हो तो चक्र से उसको मारते हैं, और पास हो तो गदा से उसको मारते हैं, और भक्त की विजय ध्वजा ऐलान कराने के लिए संत चक्र था, संत होता है बजा बजा करके भक्त की महिमा फैलाते हैं, और हृदय कमल जो है अपने हृदय को कमल के रूप में हाथ में रखते हैं कि हमेशा ही भक्त को अपना हृदय देने के लिए तैयार है। अब इनका जो तात्विक रूप है वो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 10वें अध्याय में वर्णन है उसका बता। तो ज्योतिष तत्व सुदर्शनम, ज्योतिष तत्व जो है वो चक्र है, भगवान का चक्र है, ऐसे गदा तत्व है, ऐसे कमल तत्व है, शंख तत्व है, ये सब भगवान के हाथों में होते हैं, और जीव जो है वो कौस्तुभ मणि के रूप में है, और जिसका पूर्ण विश्व ही उनका शरीर है। ये जो मूर्ति होती है वो तो प्रतीकात्मक होती है, तो भगवान विराट भगवान बहुत बड़े हैं तो उनकी पूजा नहीं हो पाती है, तो एक प्रतीक उनका बना लिया जाता है। जैसे महाराज रात में भोजन का निषेध है, तो वहाँ जब भोजन कराना होता है तो पंडित ने लोग एक उसे का पुष्प का ब्राह्मण बनवा देते हैं और उसी को भोग लगवाते हैं। 10 दिन 10वें दिन का जो श्राद्ध होता है उसमें ब्राह्मण का प्रतीक बनता है कुसा से। इसी प्रकार महाराज किसी को भी किसी का प्रतीक बना देना ये उसका अपमान ही है। असल में लोग प्रतीक शब्द का ठीक ठीक नहीं समझते हैं। तो ये है कि शंख चक्र गदा पद्म जो है ये भगवान के हाथ में चारों पुरुषार्थ देने के लिए चार तत्व है, और दो के द्वारा रक्षा होती है, एक के द्वारा भक्त की महिमा बढ़ती है, और एक में भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो भक्ति शास्त्र में तीन पाद जो है वो भगवान के सच्चिदानंद है, सत्य आनंद, और एक पाद ये विश्व है, और वेदांतियों के तीन पाद संसार है, केवल एक ही पाद पूरी है शुद्ध है। तो ये दोनों में विभाग होता है, और इसी दृष्टि से शास्त्रों में सर्वत्र चार 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 की व्यवस्था की हुई है। मतलब वेद भी चार है, और वर्ण भी चार हैं, आश्रम चार हैं, अवस्था भी चार हैं, विभु भी चार हैं, और ब्रह्मसूत्र के अध्याय भी चार हैं। तो ये चार चार का जो हिसाब है ये इसी दृष्टि से बनाया हुआ है। तो ये सब शास्त्रों में इसका वर्णन है, और ये जो रहस्य है आयुधों का, अंग का, उपांग का, आयुध का रहस्य 12वें स्कंध के भागवत में 10वें अध्याय सब लिखे हुए हैं। एक प्रश्न और है, एक सत्संगी भाई लिखते हैं कि मेरे एक मित्र है, वे कहते हैं कि समाधि और विक्षेप एक है, तो मैं कहता हूँ कि फिर समाधि में ही क्यों नहीं रहते, केवल विक्षेप में क्यों रहते हैं, जब दोनों सम कक्षा में है तो प्राय ऐसा कहने वाले विक्षेप में ही दृष्ट है, क्या यह विपर्य नहीं है? ऐसा है जी, समाधि और विक्षेप में
पूछने वाले को जितना अंतर है उतना तत्वज्ञ की दृष्टि से नहीं है। असल में समाधि भी एक विक्षेप है। क्यों? तो जब न लगे तो बड़ा दुख होगा, लगाना चाहे और न लगे तो वो भी दुख का हेतु हो जाए। और जिस समय हम कोई चिंतन करना चाहते हैं उस समय समाधि लग जाए तो हमको बिल्कुल अनिष्ट अनिष्टकारक ही होगी। तो भक्त के लिए वो भगवान का स्मरण करना चाहता हो और समाधि लग जाए तो त्याग हो जाते हैं। और दारू पंखा चल रहा था, समाधि आ गई, उसने झट समाधि को फटकार दिया। तो ये जो समाधि में महत्व बुद्धि है ये संसारी लोगों को ही होती है। और जो सचमुच तत्वज्ञ पुरुष है उनको विक्षेप में भी समाधि ही रहती है, उनका विक्षेप भी समाधि रूप ही होता है। आप गीता के उस श्लोक का शंकरानंदी अर्थ पढ़ें, कौन सा? कर्मण्य कर्मजः पश्येत् अकर्मण्य च कर्मजः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्य कर्म कृत्। यदि समाधि में आग्रह होगा और विक्षेप से द्वेष होगा तो सचमुच उसको तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं है। ये बात जरूर है कि पहले यदि उसने समाधि लगाई होगी तो उसके संस्कार से बारंबार उसकी समाधि लग जाया करेगी, लेकिन प्रयत्न करके समाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। राजा जनक कब समाधि लगाते थे और वशिष्ठ जी कब समाधि लगाते थे, कृष्णो भोगी शुकर त्यागी नृपौ जनक राघवो कर्म निष्ठा वशिष्ठाध्या सर्वे दे ज्ञान समान। यदि उनके लिए सचमुच तत्व ज्ञान हो गया है उनको तो उनके लिए वो चाहे विक्षेप में रहे कि समाधि में, वहां तो समाधि मानी जाती है तत्व ज्ञान में। तत्वावबोध एवायम वासना प्रण पावक प्रोक्त समाधि शब्देन न तो तूष्णीम अवस्थिति। तत्व ज्ञान का ही तत्व ज्ञान ही संपूर्ण वासनाओं को भस्म कर देता है, वो मिथ्यात्वे न प्रतीत होती है। इसलिए उसी को तत्व ज्ञान को ही समाधि कहते हैं। और ये जो योगियों की अभ्यास जन्य समाधि है जिसको समाधि नहीं बोलते हैं, प्रोक्त समाधि शब्देन न तो तूष्णीम अवस्थिति, मन का चुपचाप बैठने का नाम समाधि नहीं है। समाधि वो है कि जो विक्षेप दूसरों की दृष्टि में प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या है कि नहीं, साक्षात ब्रह्म है कि नहीं। इसलिए आप किसी तत्व ज्ञानी के रहने में छेड़छाड़ मत कीजिए, और वो जैसे रहता है उसको रहने दीजिए। उसकी रहनी ही ईश्वर की रहनी है और उसका समाधि विक्षेप यदि आप भक्त हैं तो ये देखिए कि वो अपनी इच्छा से उसके समाधि विक्षेप नहीं है, अगर वो इच्छा से है। और यदि आप स्वयं तत्व के हैं तो उठेगा।